इस समय आप सभी लोग देख रहे होंगे कि दुनिया भर में तालिबान और अफगानिस्तान चर्चा का विषय बना हुआ है, और आप देख रहे हैं कि संयुक्त राष्ट्र भी चिंतित है महिलाओं को लेकर, आप देखिए, और खासकर लड़कियों को लेकर। क्यों चिंतित है? क्योंकि आप जानते हैं कि तालिबान के नियम ही कुछ अलग ही हैं, उनकी उनकी सजा ही कुछ अलग ही है। और आप देखेंगे उसमें यह भी कहा जाता है कि महिलाओं को पढ़ने, यानी कि बेटियों को पढ़ने की छूट ही नहीं है। लड़कियां या महिलाएं, आप देखिए कि वो नौकरी ही नहीं कर सकती हैं। तो आज की इस क्लास में हम लोग उनके जो नियम है, जो कानून है, उसे भी देख लेंगे, और इनकी जो सजा रखी गई उनकी तरफ से, उस पर भी हम लोग विस्तार से बात करेंगे। सबसे पहले एक बार आपको तालिबान के बारे में सामान्य जानकारी दे देता हूं कि आखिर ये तालिबान संगठन है क्या, इसकी स्थापना कब हुई। और आपको मालूम होना चाहिए कि अब आप से पहले, यानी कि 20 साल पहले भी अफगानिस्तान में सत्ता पर रह चुका है तालिबान। समझ रहे हैं आप लोग? तो इस पर भी बात कर लेंगे। एक बार आप लोग अफगानिस्तान को देख लीजिए पहले। तो देखिए, ये हमारी प्यारी पृथ्वी, इसमें आप देखेंगे ये हमारा प्यारा भारत एशिया में, और यहां आप देखेंगे ये है आपका अफगानिस्तान। अगर हम लोग अफगानिस्तान से लगे देशों की बात करें तो एक तो आप देखेंगे पाकिस्तान है, भारत की सीमा भी पीओके वाला जो पाकिस्तान के कब्जे में है ना, इसकी सीमा आप देखेंगे अफगानिस्तान से लगती है, ठीक है। फिर आप देखेंगे कि ऊपर आप देखें तो चाइना से भी इसकी सीमा लगती है, ये आपका चाइना है। यहां आप देखेंगे तो तजाकिस्तान से भी लगती है इसकी सीमा, फिर आप देखेंगे कजाकिस्तान से भी इसकी सीमा लगती है, और उसके बाद आप देखें तो इसकी सीमा तुर्कमेनिस्तान से भी लगती है, और यहां आप लोग देखें तो इसकी सीमा ईरान से भी लगती है, ठीक है। तो ये भी याद रखिए। और इसकी राजधानी आप सभी जानते हैं कि काबुल है, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है। और आपको बता दूं कि यहां 97.7, माफ करिए 99% के आसपास इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं। अगर लोगों का ये कहना है कि इस्लाम जो इस्लामिक देश है वहां मुस्लिमों की स्थिति अच्छी है, तो वो लोग भी गलत है। कोई धर्म के नाम पर आप देखिए, अगर किसी राष्ट्र का निर्माण हो जाता है तो ऐसा नहीं कि वो विकसित देश बन जाता है या वहां सुरक्षा या शांति बनी रहती है। इसका उदाहरण सबसे अच्छा है, आप देखिए अफगानिस्तान, आप देख सकते हैं अफगानिस्तान से आपने देखा कि हजारों लोग पलायन कर रहे हैं, दूसरे देशों में जाने के लिए आतुर हैं। हमारे देश जैसा, भारत जैसा कोई देश नहीं है। यहां आप देखते हैं कि सभी धर्म के लोग रह सकते हैं, समुदाय हो, जाति हो, भाषा बोलने वाले हो, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता। आप देखिए कि हमारे यहां महिलाओं के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। आज तो आप देख सकते हैं कि महिलाएं हर क्षेत्र में झंडा गाड़ रही हैं, पुरुषों से आगे निकल रही हैं महिलाएं। समझ रहे हैं आप लोग? तो ये भी आप लोग याद रखिए। अब बात कर लेते हैं हम लोग तालिबान के बारे में, उसके बाद इनके नियम देख लेंगे, फरमान देख लेंगे, और लास्ट में जो उन नियम को उल्लंघन करता है, उन नियम को नहीं मानता है, तो उसके लिए क्या सजा का प्रावधान इन लोगों ने रखा हुआ है, एक एक करके हम लोग देखेंगे। तो आपको बता दें कि पाकिस्तानी गुप्तचर एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, जिसे आप लोग ISI के नाम से भी जानते हैं, ने मदरसों के अफगान छात्रों को, मदरसों के यानी कि मदरसों में जो पढ़ने वाले छात्र थे, को भड़काकर 1990 के दशक में सोवियत सेनाओं के विरुद्ध तालिबान को जन्म दिया था। और याद रखिए, कट्टरपंथी एक तरह से इस्लामिक है संगठन है ये तालिबान आपका। इसकी स्थापना आप देखेंगे 1990 के आसपास होता है। जो पाकिस्तान की एजेंसी है ना, गुप्तचर एजेंसी, जिसे आप लोग इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस कहते हैं, इसने मदरसों में जो छात्र पढ़ते थे उन्हें भड़काया, उन्हें उकसाया, वो इस संगठन का निर्माण करवाया। और इसे आप देखेंगे सऊदी अरब हो या कई खाड़ी देशों से पैसा भी मिलता है तालिबान को। ये सभी देश क्या करते हैं कि इनकी मदद भी करते हैं। और तालिबान एक इस्लामिक कट्टरपंथी राजनीतिक आंदोलन है, और अफगानिस्तान को पाषाण युग में पहुंचाने के लिए तालिबान को जिम्मेदार माना जाता है, यानी कि बाबा आदम के जमाने में पहुंचाने के लिए
तालिबान को ही जिम्मेदार ठहराया जाता है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? आप सोचिए कि आज कहां लिखा हुआ है कि महिलाएं शिक्षा नहीं ले सकती हैं, महिलाएं नौकरी नहीं कर सकती हैं, महिलाएं घर से नहीं निकल सकती हैं, महिलाओं को ये कपड़े पहनना चाहिए, वो कपड़े नहीं पहनना चाहिए। ऐसा तो कहीं नहीं लिखा हुआ है। लेकिन ये जो कट्टरपंथी संगठन है, ये इस तरह की नियम बनाता है। तो आप समझिए कि बाबा आदम के जमाने में पहुंच गए या नहीं पहुंचे। आप देखेंगे कि 1994 के आसपास जब तालिबान पहली बार अफगानिस्तान की पटल पर उभरा, तो उसने अब पाकिस्तान की सीमा से लगे पश्तूनों के इलाके में शांति सुरक्षा बहाल करने का वादा किया। उसने सत्ता में आने पर सरिया कानून लागू करने की बात कही और भ्रष्टाचार पर भी नकेल कसने का वादा किया। सरिया कानून आप समझ रहे हैं। सितंबर 1995 में दक्षिणी पश्चिमी अफगानिस्तान से आगे बढ़ते हुए तालिबान ने ईरान की सीमा से लगे हेरात पर भी कब्जा कर लिया। और एक साल बाद आप देखेंगे लड़ाकों ने तत्कालीन राष्ट्रपति बुरहानुद्दीन रब्बानी को बेदखल करके काबुल पर कब्जा कर लिया। और वर्ष 1998 तक आप देखेंगे अफगानिस्तान के 90% हिस्से पर तालिबान का नियंत्रण स्थापित हुआ। और अभी आप देख रहे हैं कि अफगानिस्तान फिर से इन्होंने कब्जा कर लिया। और आप देखिए कि यहाँ के जो राष्ट्रपति साहब थे वो देश छोड़ के भाग गए, सामने कोई लड़ने के लिए था ही नहीं। मैं कहीं उनका इंटरव्यू सुन रहा था तालिबानों के किसी प्रवक्ता का, तो उन्होंने कहा मुझे इतनी भरोसा ही नहीं हो रहा है कि इतनी शांति से मैंने इसे जीत लिया, यानी कि कोई सामने लड़ने के लिए रोकने के लिए आया ही नहीं है, किसी ने विरोध ही नहीं किया। तो आप समझ सकते हैं क्या देश है। और इसीलिए मैं कई बार बोलता भी हूं कि किसी भी कट्टर सोच वाली धार्मिक व्यवस्था को रोक देना चाहिए, उनका साथ नहीं देना चाहिए। ये नेता तो आप देखते हैं कि अपने अपने परिवार को लेकर निकल जाते हैं आसानी से, मारी जनता जाती है, उस त्रासदी को जनता झेलती है। इसलिए नेताओं के बहकावे में ना आइए तो ही मुझे लगता है बेहतर है। अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा दीजिए, स्वास्थ्य व्यवस्था उपलब्ध करवाइए और वोट जब भी करते हैं तो सोच समझकर वोट दीजिए। धर्म के नाम पर इस तरह के जाति समुदाय लड़ाने वाले नेताओं को तो वोट दीजिए ही नहीं, क्योंकि जब भी विपदा आती है तो आप देखते हैं कि ये नेता भाग खड़े होते हैं, बेचारी मासूम जनता पिस जाती है। आगे आप देखेंगे कि तालिबान ने कट्टरवादी इस्लामिक कानूनों को लागू किया और शुरुआत में अधिकांश तालिबानी लड़ाके पाकिस्तान के मदरसों में पढ़ने के बाद इसका हिस्सा बने। सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के अलावा पाकिस्तान इन तीनों देशों में शामिल था जिसने तालिबान शासन को मान्यता दी थी, हम लोगों ने नहीं दी थी। ठीक है, अब देखेंगे कि पिछली क्लास में मैंने आपको बता चुका हूं कि भारत की क्या चिंताएं हैं, क्योंकि आप देखेंगे हम लोगों ने बहुत यहां रुपया खर्च कर चुके हैं, कई परियोजनाओं पर काम चल रहा है। और आप देखिए कि तालिबानों से अभी तक हम लोगों ने कोई इस तरह की बात नहीं की थी, हमारी डायरेक्ट बात होती थी अफगानिस्तान सरकार से, तो उसी की टेंशन हमें दिखाई दे रही है। और आप देखिए कि अगर इस तरह का कोई कट्टर संगठन का शासन अफगानिस्तान पर हो जाता है तो जो जम्मू कश्मीर है हमारा, यहां आतंकी घटनाएं बढ़ने की भी संभावना की जा रही है। फिर आप देखेंगे कि वर्ष 2001 में आप सभी को मालूम होगा कि न्यूयॉर्क में आतंकी हमले के बाद तालिबान दुनिया की नजरों में आया। ये अमेरिका की बात कर रहा हूं, सन 2001 में न्यूयॉर्क अमेरिका में आतंकी हमला होता है और माना जाता है कि इसका कनेक्शन अफगानिस्तान से जो तालिबान थे इनसे रहा था। और इसी दौरान आप देखेंगे कि 2007 अक्टूबर 2001 को अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया, यानी कि तालिबानों पर, और अमेरिकी सेना ने तालिबान को सत्ता से बेदखल कर दिया था, सत्ता से हटा दिया था उन्हें और यहाँ एक सरकार बनाई थी। तो आप समझिए कि 2001 में तालिबान सत्ता से बेदखल हो गया था और अब जाके 2021 में तालिबान फिर से सत्ता पर काबिज हो गया है। अब बात करते हैं हम लोग इनके नियम की कि इनके सामाजिक प्रतिबंध क्या है, इनके फरमान क्या है। तो आपको बता दूं कि तालिबान ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के पश्तूनों इलाकों में वायदा किया था कि अगर वे एक बार सत्ता में आते हैं तो वो सुरक्षा और शांति कायम करेंगे
लेकिन इनकी बातों में कुछ अलग बात होती है और करते कुछ और हैं। वही हाल कह सकते हैं आप लोग, एक तरह से नेताओं जैसा हाल है कि इनके बाद ही कुछ और रहते हैं और इनका काम कुछ और रहता है। बेइस्लाम के साधारण सरिया कानून को लागू करेंगे, हालांकि कुछ ही समय में तालिबान लोगों के सिरदर्द साबित हुआ। सरिया कानून के तहत महिलाओं पर कई तरह की कड़ी पाबंदियां लगा दी गई थी और सजा देने की विवश तरीकों के कारण अफगानी समाज में इसका विरोध किया गया होने लगा था। आप देख लीजिए एक एक करके इनके नियम है। तालिबान ने सरिया कानून के मुताबिक अफगानी पुरुषों के लिए बढ़ी हुई दाढ़ी दाढ़ी समझते हैं, और महिलाओं के लिए बुरका पहनने का फरमान जारी कर दिया है। यानी कि इनका सरिया कानून एक तरह से क्या कहते हैं, तालिबान कहते हैं कि पुरुषों को दाढ़ी रखनी होगी बड़ी हुई, और जो महिलाएं हैं उन्हें बुरका पहनना होगा। बुरका आप सभी लोग जानते होंगे, पूरा एक तरह से ढक जाता है शरीर। और टीवी, म्यूजिक, सिनेमा पर पाबंदी लगा दी गई थी, यानी कि टीवी भी उपयोग नहीं हो सकता है, म्यूजिक हो सिनेमा हो इन पर रोक लगा दी जाएगी। 10 उम्र की उम्र के बाद लड़कियों के लिए स्कूल जाने पर मनाही दी थी। यानी कि जिस लड़की की 10 साल एज हो जाती है उन्हें स्कूल जाना बंद करवा दिया जाता है। तो आप समझिए कि उनके भविष्य भविष्य का क्या होगा, उनके सपनों का क्या होगा, समझ रहे हैं? और ये क्या कहते हैं, तालिबान ने 1996 में शासन में आने के बाद लिंग के आधार पर कड़े कानून बनाए, और इन कानूनों में सबसे ज्यादा महिलाओं को प्रभावित किया है। यानी कि आप कह सकते हैं कि एक तरह से कट्टरता सोच वाले हैं, महिलाओं को आप देखिए कि नीचे रखते हैं, और पुरुषों के लिए आप देखेंगे थोड़ी इन्हें काफी पुरुषों के लिए फायदा रहता है इसमें। यानी कि लिंग भेदभाव आप समझिए कि पूरा एक तरह से आप देखेंगे जिसका प्रभाव सबसे ज्यादा महिलाओं पर देखने को मिलेगा। अब यहीं से आप लोग सोच सकते हैं कि पुरुषों यानी कि लड़कों को पढ़ने में छूट दी जाएगी, नौकरी भी कर सकते हैं, वो बिना पूछे बाहर आ भी जा भी सकते हैं, लेकिन महिलाओं को ये मनाही रहेगी, महिलाएं ये काम नहीं कर सकती हैं। अफगानी महिलाओं को नौकरी करने की इजाजत नहीं दी जाती है। यानी कि यहाँ की महिलाएं या लड़कियां नौकरी भी नहीं कर सकती हैं इनके फरमान के जारी, इनकी जो बातें माने अगर हम लोग तो इसके हिसाब से। और कहते हैं ये लोग कि लड़कियों के लिए सभी स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के दरवाजे बंद किए दिए थे। यानी कि लड़कियों के लिए स्कूल के दरवाजे बंद, कॉलेज के, यूनिवर्सिटी हो, यहां नहीं जा सकती है। किसी पुरुष से रिश्तेदार के बिना घर से निकलने पर महिला का बहिष्कार कर दिया जाता है। यानी कहने का मतलब है किसी महिला को बाहर जाना है तो उसे अपने घर के पुरुषों से इजाजत लेनी होगी। पुरुष डॉक्टर तो द्वारा चेकअप कराने पर महिला और लड़की का बहिष्कार किया जाएगा। आप देखिए, एक तो आप उन्हें पढ़ने नहीं दिए जाओगे लड़कियों को, तो वो डॉक्टर कहां से बन जाएंगे, और दूसरी तरफ आप क्या फरमान जारी कर रहे हैं कि अगर किसी पुरुष डॉक्टर द्वारा चेकअप कराती है कोई महिला या लड़की तो उसका बहिष्कार किया जाएगा। इसके साथ ही आप देख सकते हैं कि महिलाओं पर नर्स और डॉक्टर बनने पर पाबंदी थी। तो ये हाल वही है कि महिलाओं के लिए कि पीछे देखो तो कुआ और आगे खाई, जैसा भी आप लोग इस वाक्य को कह सकते हैं कहिए। और आगे क्या कहते हैं, तालिबान के किसी भी आदेश का उल्लंघन करने पर महिलाओं को निर्दयता से पीटा और मारा जाएगा। यानी कि तालिबान किसी नियम को बनाता है, उसे कहता है अगर उसे कोई नहीं मानता है तो भयानक बुरी तरह से उन्हें पीटा जाता है और उन्हें सजा दी जाती है। अब बात कर लेते हैं तालिबानी सजा की। इस सजा, इनके नियम को नहीं मानता है कानून, एक तरह से फरमान को नहीं मानता है कोई, तो सजा का क्या प्रावधान रखा गया है? तालिबान इलाकों में शरीयत का उल्लंघन करने पर बहुत ही क्रूर सजाएं दी जाती हैं। एक सर्वेक्षण के अनुसार 97% अफगान महिलाएं अवसाद की शिकार हैं। आप सोचिए कि शिकार हो ही जाएंगे अवसाद,
दिमाग ही खराब। जब वो किसी पर इस तरह के आप प्रतिबंध लगाएंगे तो आप सोचिए उसकी दिमागी हालत क्या होगी। घर में बालिका, विद्यालय चलाने वाली महिलाओं को उनके पति और बच्चों और छात्रों के सामने गोली मार दी जाती है। ना तो आप बाहर जाने दे रहे पढ़ने के लिए, और ना ही घर में अगर कोई महिला स्कूल खोलती है और बच्चियों को पढ़ाती है तो उसके सभी लोगों के सामने उसे गोली मार दी जाती है। आप समझ सकते हैं क्या स्थिति है। प्रेमी के साथ भागने भागने वाली महिलाओं को भीड़ में पत्थर मारकर मौत के घाट उतार दिया जाता है। कोई अपनी मर्जी से शादी नहीं कर सकता है। गलती से बुर्का से पैर दिख जाने पर कई अधेड़ उम्र की महिलाओं को पीटा जाता है। अगर थोड़ा भी शरीर का आप देखिए कि भाग दिख जाता है तो इनकी सजा आप देख सकते हैं। पुरुष डॉक्टर्स द्वारा महिला रोगी के चेकअप पर पाबंदी से कई महिलाएं मौत के मुंह में चली जाती हैं। जब आप देखिए कि डॉक्टर की सुविधा ही नहीं मिलेगी किसी महिलाओं को तो उनका क्या हश्र होगा। कई महिलाओं को घर में बंदी बनाकर रखा जाता है और इसके कारण महिलाओं में आत्महत्या के मामले तेजी से बढ़ने लगे हैं। तो ये कहानी है अब देखिए तालिबान की, और इसीलिए आप देख रहे हैं कि दुनिया भर चिंता व्यक्त कर रहा है, चिंता में पड़ा हुआ है। आप देख रहे हैं कि तालिबान हर बात कह रहा है कि वो मैं महिलाओं को छूट देंगे, महिलाओं से भेदभाव नहीं किया जाएगा, फिर भी इनकी बातों पर भरोसा नहीं कर रहा है कोई। आपने देखा है किस तरह से भीड़ पलायन कर रही है, जाने के लिए आप सोचिए बेचैन है। आपने इस तरह की कई तस्वीरें देखी होगी। मैं फिर से कहता हूं, हमारा देश जिस तरह का है वैसा ही बना रहे। हमें इसलिए किसी भी धर्म को, किसी भी जाति को, किसी भी कट्टर सोच को बढ़ावा नहीं देना है। हम जिस तरह से मिलजुल कर रहते हैं, मिलजुल कर ही रहिए, इसी में फायदा है। अमन चैन के साथ एक तरह से पूरा देश रहता है। आप देखिए सभी को संविधान पर भरोसा रहता है, सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा रहता है, हाई कोर्ट पर भरोसा रहता है। यही खूबसूरती है, देखिए इसे मत बिगाड़िए। और आप अपने बच्चों, जो भी अपने परिवार और बच्चों को पढ़ाते रहिए कि वो किसी के बहकावे में ना आ सकें, वो सही गलत को कम से कम समझ सकें। वरना आप समझ सकते हैं, आप लोगों के सामने अफगानिस्तान उदाहरण के रूप में रखा हुआ है। सुधरने के लिए एक तरह से आप देखिए कि अफगानिस्तान को आप देखकर सुधर भी सकते हैं। चलिए आराम से आप लोग देखते रहिए, ठीक है।